शो गुम है किसी के प्यार में के साथ सई और विराट का किरदार निभा रहे एक्टर आयशा सिंह और नील भट्ट दोनों घरेलू नाम बन गए हैं। शो के शुरू होने के बाद से ही दोनों दर्शक के चहेते बने हुए हैं। अब विरासत को आगे बढ़ाते हुए जब सई और विराट की बात आती है तो ऐसी कई यादें हैं जो सभी के जहन में बसी हुई हैं, जैसे कि एक दूसरे के साथ लड़ाई करने के साथ हुई इनकी शुरुआत अब एक दूसरे के लिए लड़ने तक आ पहुंची है। लेकिन अब नील भट्ट और आयशा सिंह शो को अलविदा कहने की तैयारी कर रहे हैं ताकि शो को शक्ति अरोरा, भाविका शर्मा और सुमित सिंह आगे बढ़ा सके। गुम है किसी के प्यार में की एक्ट्रेस आयशा सिंह ने कहा, गुम है किसी के प्यार में के लिए यह एक खूबसूरत और प्यारा सफर रहा है। इस शो में कुछ ऐसे पल हैं जिन्हें मैं जीवन भर याद रखूंगी और अपने दिल में कैद रखूंगी। प्यार एक ऐसी चीज है जिसे मैं अपने इस सफर में वापस ले जाऊंगी, लेकिन मेरी सबसे कीमती याद सई के डॉक्टर का कोट होगा जिसको मैं अपने साथ घर वापस ले जाऊंगी, क्योंकि यह विराट की ओर से सई को एक तोहफा था। एक्ट्रेस ने आगे कहा, सई एक किरदार के रूप में अपने आप में कई तरह के इमोशन से भरी हुई हैं। इसमें स्ट्रेट फॉरवर्ड होने से लेकर गर्ल नेक्स्ट डोर, एक डॉटिंग वाइफ और एक माँ जो दूसरों से पहले अपने परिवार को रखती हैं, सब शामिल है। सई की एक और खास बात है जो मैं सीखना चाहती हूँ कि वह अपने संघर्षों के दौरान भी कैसे मुस्कुराती है। लेकिन यह भी एक ट्विस्ट है, जब असल जीवन की बात आती है तो आयशा सई के बिल्कुल विपरीत है। मैं सेट पर एक प्रैंकस्टर हूँ और मैं अपने सभी स्टाफ के साथ प्रैंक किया है। विराट बने नील भट्ट ने कहा, विराट और वर्दी साथ साथ चलते हैं। यह तीसरी बार है कि जब मैंने एक पुलिस वाले के रूप में किरदार निभाया है। मुझे वर्दी पहनने और पुलिस का किरदार निभाने में एक ही समय में गर्व और घबराहट दोनों महसूस होती है। विराट की वर्दी नील के जीवन का एक बहुत ही अहम हिस्सा है और यह वह याद है जिसे मैं शो से अपने साथ वापस ले जाऊंगा। यह कुछ ऐसा है जिसे मैं जीवन भर याद रखूंगा। एक्टर ने आगे कहा, वर्दी ईमानदारी और सम्मान को दर्शाती है। वर्दी एक अहम हिस्सा रही है क्योंकि इसने विराट के किरदार को ढलने में मदद की है। मैं अपने किरदार विराट पर प्यार बरसाने के लिए दर्शकों का आभारी हूं और इस शो के लिए जितना प्यार हमें मिला है उतना ही प्यार शो का हिस्सा बनने वाले नई पीढ़ी को भी मिलेगा। सई और विराट के इस स्टेटमेंट पर आपका क्या कहना है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। बॉलीवुड और एंटरटेनमेंट की खबरों के लिए देखते रहिए एबीवी एंटरटेनमेंट।